बिहार के चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अरुण यादव जी की धर्मपत्नी किरण यादव जी, जो कि राजद से और महागठबंधन से उम्मीदवार हैं। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या विकास किया और क्या क्या कमियां रही? कुछ भी विकास नहीं। छात्र मर पढ़ के मारल चलता है लोग रोड पर, दिखा था नहीं सब बूढ़ कुड़िया खरीदा भी मारता है लोग। लॉकडाउन दिए, कोरोना में सब ऊंचा सब आदमी जनता लोग बंद कर देगा, लोग कहाँ कुछ विकास के काम होता है। तेजस्वी जी की सरकार बनी तो 10 लाख भी नौकरी भी दे आए सब बूढ़ पुरैया बालक, हम 1000 वादा करके जाता नहीं, हम पेंशन भी करवाई। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं आरोप है कि आपके पति जी को जो है कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत जेल में बंद कर दिया गया, इससे जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता का जनता मेरा मालिक है, जनता मान सम्मान है, जनता हम मेरा इनको लोग भगवान मानते हैं, ज्यादा क्या बोल रहे राजनीति की तरफ फंसा कर मेरा जनता का बीच में। अब ये मैं थोड़ा सा जनता से बात करूंगा। बाबू बताओ कि जो है नीतीश कुमार ने 10 वर्षों में क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, आप बताइए भैया। ना भैया कुछ नहीं, हम पहले लॉकडाउन में क्या क्या समस्या हुई आप लोगों को? अगर बात करें रोजगार की तो यहाँ बहुत सारे युवा भी मौजूद हैं हमारे बीच में, आप ये बताइए कि रोजगार 10 वर्षों में कितना डेवलप हुआ आप लोगों के लिए? रोजगार कुछ नहीं डेवलप हुआ। गांव क्या किए हैं नीतीश जी? आज की डेट में गांव की मेन समस्या क्या हुई और 10 साल में उनका क्या निस्तारण हुआ? निस्तारण तो बहुत कुछ हुआ, समस्या का समाधान हुआ। गांव में क्या क्या समस्या है? बहुत समस्या है, जैसे रोजगार, बेरोजगारी, किसको विधायक बनाएंगे संदेश से? किरण देवी बाबा किसको बनाएंगे विधायक? टक्कर में किरण देवी को बनाएंगे, विकास के काम करेंगे। पूरा जनता दुखित में है, सरकार ठीक नहीं चला रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनके जो पति हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों से जुड़े रहते थे और पिछले 4 वर्षों से उन्होंने जनता दरबार लगाया, जनता की सेवा की, तो कहीं ना कहीं उनको गरीब लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं। आइए और बात करेंगे अरुण जी के बारे में, आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा है जी, चुनाव जीत रहे हैं, सरकार भी बना रहे हैं, उसमें दो मत नहीं है। आपके मेन जो आपका आप इसी गांव के रहने वाले हैं, अभी इस गांव में आपकी मुख्य समस्या क्या क्या है? रोजगार है, समस्याएं तो बहुत है, लेकिन सबका समाधान तो नहीं हो सकता है, बारी बारी से ना होगा। एक बार में कुछ काम किए हैं इस गांव में, फिर आएंगे दोबारा जीत कर फिर काम करेंगे। सरकार की अगर बात की जाए तो 10 वर्षों की सरकार यहाँ रही है नीतीश कुमार की, उस दौरान आप लोगों को क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव देखने को मिला? देखिए नेगेटिव है कि किसी तरह का कोई विकास का कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा। जल नल योजना अभी जो चालू है वो पाइप केवल डाला हुआ है, पाइप बना हुआ रोड को कोड़ कर जेम कहते हैं खुरखून कर दिया गया। एक कोरोना महामारी है, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, एक कोरोना महामारी है। कोरोना नहीं तो महामारी है ही नहीं, केवल बदनाम किया जा रहा है, केवल सत्ता को बचाने के लिए, छुपाने के लिए, विकास कार्यों को छिपाने के लिए सब काम किया जा रहा है। एक बात बताइए कि बिहार में जितने भी युवा लोग हैं, ज्यादातर युवा कहीं ना कहीं गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, लॉकडाउन के दौरान उनको वहाँ से अपने घर आने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसमें क्या आपका मुद्दा रहेगा रोजगार का? रोजगार तो नीतीश कुमार जी के पास है ही नहीं, और रोजगार था भी तो वो सभी कॉन्ट्रैक्ट पर थे। आपने देखा होगा 15 साल के शासनकाल में इन्होंने एक भी स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दी। जितने भी प्रखंड में कुछ नौकरी मिली तो वो भी अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी मिलेगी। जो हमारी नीतीश की तेजस्वी जी की जो सरकार हमारी बनेगी, आदरणीय तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि 10 लाख मैं रोजगार युवाओं को दूंगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी नहीं, अस्थायी नौकरी देने का काम करूंगा। और ये विकास की जहां तक बात है, विकास तो हुआ, उसको विकास को 15 साल में करवा दिए। जो भी हम लोग ढलाई 10-15 साल हुआ था पहले, इनके नल जल योजना के चलते समूचा कोड़ा गया और कोड़ कर उसको और गड्ढा कर दिया गया। विकास का है तो विनाश हमारा हो गया। नीतीश कुमार जी का हमेशा से जो वक्तव्य रहा है, उनका दावा रहा है कि पहले गुंडा राज था लालू जी के समय में उत्तर प्रदेश सॉरी बिहार में, अब जो है सुशासन का राज है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जल्लाद राज है वो, तो जंगल राज की संज्ञा दिए थे ना, ये जल्लाद राज चल रहा है। इसलिए कि महिलाओं को आए दिन में बलात्कार होता है, थाना के बगल में हत्या होती है, थाना के बगल में बलात्कार होता है, अब इससे जलाधराज क्या हो सकता है?
कोई ऐसा दिन नहीं हो जो हमारे बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं हो, जो हमारे हत्या नहीं हो। कोई ऐसा जिला नहीं है, आप निकाल कर देख लीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है कि एक दो तीन हत्याएं नहीं प्रतिदिन हो रही हो। चलिए मैं थोड़ा जनता से बात करूंगा, ये बताइए अब की बार किसकी सरकार? अब की बार लालू सरकार। अब की बार किसकी सरकार? तेजस्वी सरकार। आप बताइए माता जी। अब की हरी लालू सरकार। कहे लालू कहे सरकार है कि नीतीश के उनका जीता के मोदी के सब बैठ बनी जाएगी सब के पटना में बैठा। मोदी को भी आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, अब क्या नाराजगी है? तो पहले बन जाए नौकरी न चौकरी देता विकलांग पड़ल बड़ी सन, तब ये हमने के काम कर जीत जाता तो वीर बन जाता लोग। कि हम वीर बने। जीवा साथी हमारे साथ मौजूद है बाबू। इस बार जो है आप किसका सरकार? बाकी विकलांग के ले ले सब के लेके चले के बाद विकलांग के बिछड़ के नहीं। हमारे साथ बताइए क्या क्या दावे हैं आपकी पार्टी के? अगर आपकी सरकार आती है, आप विधायक बनते हैं, आपकी सरकार विधायक बनती है, तो क्या क्या मेन मुद्दों पे आप गौर करेंगे? हमारी सरकार की मेन मुद्दा है जितने बेरोजगार छात्र घूम रहे हैं रोड पे, उनको फर्स्ट प्राथमिकता है हमारी सरकार की, लोगों को 10 लाख रोजगार दिया जाए जिससे छात्र नौजवान रोड पे बेरोजगार न रहे, रोजगार मिले। धन्यवाद। ये संदेश विधानसभा से आप देखे थे बिहार का चुनावी दंगल।